है रुई मंडी, जो कि सदर बाजार का बहुत ज्यादा फेमस जगह है। और रुई मंडी में आके आपको पूछना है पेटी वाली गली, ठीक है, रुई मंडी याद रखिएगा, उसके अंदर पेटी वाली गली में आपको आना है और इस गली में घुस जाना है, ठीक है। और बस गिनती के ये 1, 2, 3 और 4 दुकानों के बाद ना, 4 से ये 5वीं दुकान के बाद आपको यहाँ पे एक मंगलसूत्र की दुकान दिखेगी, इसी में आपको अंदर हो जाना है। इसके अंदर आपको सीधा चलना है और सामने आपको DC का बोर्ड नजर आ रहा होगा, ये देखिए, और ये होने वाला है ऋषभ ज्वेलर्स का शॉप। वंस अगेन हमारे साथ हैं विकास जैन जी, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले अपने फर्म के बारे बताइए हमें। नमस्ते जी, मैं विकास जैन ऋषभ ज्वेलर्स से। फिर से हम आपके लिए आज दोबारा से एक नई आइटम लेके आए हैं जिसे कहते हैं सेलिब्रिटी कलेक्शन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर, और एकदम एक्सक्लूसिव आइटम जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। प्लस आपको इतने डिजाइनर पीस मिलेंगे जो कस्टमाइज पीस होते हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे पूरी मार्केट के अंदर। जी, ज्यादातर हैंडमेड ज्वेलरी है ना, क्योंकि ये तो मशीनों से बनने से इम्पॉसिबल है। हैंडमेड आइटम है, सब सेमी प्रीशियस के अंदर है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली आइटम है और बहुत अच्छे डिजाइन से। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बहुत कुछ है दिखाने को, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप काम करते हैं इन सब चीजों का तो भाई ये बेस्ट होने वाला आपके लिए शायद, तो पूरी वीडियो देखिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला भाई कितना ज्यादा शाइन हो रहा है। ओके, अभी ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस पे ये क्या चीज बना हुआ है सर? ये ब्रांड स्टेटस की आइटम है, ब्रांड सिंबल्स की, लोगो टाइप का है ना, ब्रांड को फॉलो करते हुए, तो काफी सही डिजाइन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सब ब्रांड्स के रेप्लिका आइटम्स हैं। ओके, तो देख सकते हैं, मैं आपको एकदम स्लो मोशन में दिखाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज का पता चल सके। और जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ, यूट्यूब पे ऑप्शन है कि आप पिक्चर को ना एकदम जूम करके देख सकते हैं, तो आप एकदम देखिए ताकि आपको डिटेलिंग पता चले। और ये वाला पीस देखिए, इसका इयररिंग होने वाला है, ठीक है। इसमें कलर्स कितने होते होंगे सर? कस्टमाइज पीस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं हर एक आर्टिकल के अंदर, मतलब वो जो स्टेटमेंट पीस जिसको कहा जाता है, लिमिटेड आपको यहाँ पे कलर्स होगा। और जैसे ये वाला देखते हैं अगला, इसका पेंडेंट मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेन तो जान इसी में है। ये देखिए पेंडेंट, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। एंड चेन किस चीज में बना हुआ है? पूरा बीट्स वगैरह है ना? हाँ जी, पूरा बीट्स के अंदर चेन बना हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये कलर है इसका, बाकी इसमें कलर चेंज होते रहते होंगे सर? हाँ जी, कस्टमाइज पीस बन के आते हैं ये वाले सारे के सारे। ओके, काफी अच्छा लग रहा है पीस, आगे देख लेते हैं। और ये इसका इयररिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज अंदाजा दीजिए और एक और चीज बता दीजिए, इसका प्राइस कैसा होता होगा? स्टार्टिंग रेंज इसमें 6000 रुपीस से स्टार्ट होता है। ओके, ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, 5000-6000 से रेंज स्टार्ट है इसके। ओके, 5000 मान के चलिए कि मिनिमम होने वाला है, और ज्यादातर 5-6000 में ही ये रह जाएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये देखिए पेंडेंट इसका, देखिए कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और साथ में इयररिंग्स भी। ओके, इसके बाद मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा। इससे पहले ये कुछ चेन है जो कि आप पार्टी वेयर एकदम होने वाला है गर्मियों के हिसाब से जी, लाइट कलेक्शन के अंदर। ये देखिए कितना सही होने वाला है, लुक अच्छा है एकदम, जो प्रीमियम क्वालिटी जो फील होता है ना वो वाली चीज है, एकदम बड़े से बड़े शोरूम और शॉप्स पे बिकने वाली चीज है। देख सकते हैं शाइन अच्छा होने वाला है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और पेन चेन में ही, इसके स्टड आपको होने वाले हैं। ये सब कौन से रेंज का आइटम है? ये 700 से रेंज स्टार्ट है, 1700। ओके, 1700 से आपको ये स्टार्ट होने वाला है। बाकी अगर आपको पूरी अच्छे से डिटेलिंग चाहिए तो कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप वगैरह पे? हाँ जी, आप वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। ओके, फोटोज होता होगा इन सब का? हाँ, इनका फोटोज मिल जाएगा आपको माल का। ओके, ये कार्विंग स्टोन के साथ होने वाला है, और ये जो होता है ये मीनाकारी होगा जैसे? हाँ जी, कलर वगैरह जो होता है कुंदन की ज्वेलरी पे जैसे, और ये बीच में कुंदन है ना, बाकी स्टोन वगैरह हो गया। मेनली जो ये चीज मानी जाती है ना वो ब्रांड के, भाई आप इसको अम्रपाली कलेक्शन बोल सकते हैं, आपको सब्यसाची कलेक्शन बोल सकते हैं, आप चेन का कोई ज्वेलरी, रेप्लिका ज्वेलरी बोल सकते हैं आप इसको। और ये देखिए स्पेशली जैसा कि मैंने गूगल पे देखा भाई, आप अगर इस चीज़ को सर्च करेंगे ना, जस्ट आप गूगल से स्कैन कीजिए इस फोटो को, मैं होल्ड करता हूँ, आपको भाई पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है। आजकल का ये ट्रेंडिंग चीज़ है, जैसे एक टाइम पे AD जब नया नया आया था तो मार्केट में आग लगा दिया, उसी टाइप का ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने कस्टमर को कुछ नई चीज़ देनी है, कुछ आपको नई और यूनिक आइटम चाहिए, तो आप इस चीज़ को देख के अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं उसे, ये सब सेमी प्रीशियस स्टोन के अंदर आइटम है। मैं आपको इस पीस को पहले को एकदम आराम से दिखाता हूँ, आप एक एक चीज़ देखिए सही से, काफ़ी प्यारा लग रहा है पीस, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसमें जो स्टोन यूज़ किए गए ना वो अलग लेवल के हैं, वो आपने नॉर्मल ज्वेलरी में नहीं देखा होगा,
ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है। स्पेशली आई थिंक ये मेरा दूसरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं ये ज्वेलरी दिखा रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिला है। और इस पे देखिए ट्री जो बना है काफी यूनिक सा, और ये पीस काफी ज्यादा आपको जैसे कि आप देख पा रहे एकदम फ्लेक्सिबल सा होने वाला है। और सारी बढ़िया सी डोरी है ना, इसमें इयररिंग्स होगा, मांगटीका वगैरह भी होता है? नहीं, खाली इयररिंग्स, इयररिंग्स और ये नेकलेस। ओके, अगला ये वाला देख सकते हैं, इसमें थोड़े और ज्यादा कलर्स को यूज किया गया है, मल्टी शेड्स में। तो सिंगल भी मिलता है क्या? नहीं, सिंगल कलर्स नहीं आते हैं, जैसे मल्टी होगा, जैसे इसमें दो कलर यूज किया गया है, इसमें पूरा मल्टी है। हां, पूरा मल्टी। इसके लॉन्ग इयररिंग्स होने वाले, और एक बार मैं आपको पूरा पीस दिखा देता हूँ अच्छे से। बाकी अगर परचेजिंग करनी है तो सर कोई कितने का ले सकता है भाई? मिनिमम शॉपिंग 20,000 से है इसके अंदर। ओके, क्योंकि एक एक पीस ही 5-6 हज़ार का है। बिल्कुल, तो अगर 2-5 पीस भी लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 20,000 का मिनिमम। हाँ, मिनिमम 20,000 का। स्मॉल देखिए भाई, पीस देखिए, और ये देखिए जैसे कि इसका पेंडेंट बहुत ही लंबा होने वाला है, उसी टाइप से इसका इयररिंग्स भी मैचिंग का बनाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और बाकी पीस आप देख सकते हैं, मैं एक स्टोन को आपको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए शाइन, देखें बहुत ही अलग अलग। आपने ये वाला स्टोन तो देखा होगा, मोनालिसा स्टोन, बट ये जो चीज़ लगी है ना, ये अलग है। ये सब सेमी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस। ठीक है, और बैक साइड पूरा अच्छा फिनिशिंग देख सकते हैं, ब्लैक मेटल के अंदर है, पॉलिशेस की जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ओके, बहुत ड्यूरेबल चीज, तो पॉलिश में कोई इशू नहीं होने वाला, कोई इशू नहीं आएगा किसी भी चीज का। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं ये वाला, थोड़ा हैवी में, ज्यादा ही हैवी है ये। और ये क्या चीज बना हुआ है सर? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटस सिंबल वाली जो आइटम्स होती है ना, मैंने आपको अभी बताया कि भाई आप इनको रेप्लिका ज्वेलरी भी बोल सकते हैं, आम्रपल्ली ज्वेलरी भी बोल सकते हैं। ओके, अलग ही है ये, जरा मेरे हाथों पे रखिएगा, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल पीस है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और पीस देखने में बहुत खूबसूरत है। ये सब स्टेटमेंट पीस होने वाला है, मतलब अगर आपने एक पीस बाय किया तो पूरे मोहल्ले में हो सकता है सिर्फ आपके पास हो। हाँ जी, लोकल नहीं है ये चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यारा। बाकी वर्ल्ड वाइड डिलीवरी हो जाएगा अपने यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल जी, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी अवेलेबल है हमारे यहाँ से, और पूरा फ्लेक्सिबल पीस है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एकदम फ्लेक्सिबल पीस होने वाला है, और लुक काफी बेहतर है, और जैसे मैं छू रहा हूँ ना तो एकदम स्मूथ होने वाला पीस, प्रीमियम है। जैसे एक सोना आप देखते हैं ना तो आपके आंखों में चमक आता है, उसी हिसाब से ये वही स्टोन्स हैं जो ज्वेलर्स अपने सोने में यूज करते हैं। बस फर्क ये है इसके अंदर कि हम यहाँ पर इसको ब्रास के ऊपर बना रहे हैं वो सोने या कॉपर के ऊपर बना रहे हैं, वो उसके ऊपर मेटल पे लगा रहे हैं। भाई इसमें ये मेटल है हमारे पास, ये हम इसको मेटल यूज करते हैं इसमें, अगर इसी पे सोना लगा दें तो ये रियल लेट बढ़ जाएगा, वो उसमें मेटल के पैसे बढ़ जाएंगे, उसमें सोने के पैसे बढ़ जाएंगे। और ये ज्वेलरी इतनी प्रीमियम होती है कि ना इससे कोई एलर्जी होगी आपको इसके अंदर, ना ही कोई आपको कुछ भी होगी। काफी अच्छा, और ये जैसे कि आपको पता है लॉन्ग इयररिंग है, तो इसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, काफी अच्छा। और ये आप देख सकते हैं वन चेन पे बनाया गया ये वाला जो पीस है ना। हाँ जी, हाँ जी, वन चेन पे बनाया गया। और इस क्या क्या चीज लगा है इसमें? ये सब कुंदन लगा हुआ है जी। okay. ये सब इसके बाद एडी लगा हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं कुंदन में फॉलिंग भी है अच्छे से। इसके बाद ये ब्लैक मेटल लगा हुआ है, पूरा ब्लैक है बिल्कुल, मतलब इतना प्रीमियम पीस है, इतना प्रीमियम लुक आएगा इसके अंदर आपको, कस्टमर को आप अगर देंगे अपने कस्टमर को, और अगर आप अपने कस्टमर को उसको पहनाएंगे तो वो कहेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ दी है, कुछ नया देखने को मिला है। हाँ जी, और मैंने सबसे अच्छा जो देखा ना कि जैसा पेंडेंट का है ना, उसको सेम फॉलो करके थीम उसका इयररिंग्स में भी डाला गया है, ताकि जब आप पहने तो लगे कि हाँ यार कुछ सिमिलर आपने पहना है, मैचिंग पहना है, देख सकते काफी अच्छा है डिजाइनर। इसके आगे देखता हूँ मैं, ये वाला पीस देखिए आप, बहुत ही सही फ्लेक्सिबल होने वाला पीस, इतना स्मूथ है कि हाथों से स्लिप कर रहा है। ओके, क्या बात है, एकदम प्रीमियम। दीजिएगा एक मिनट, ये देखिए मैं आपको इसका जो है ना कलर दिखाता हूँ, कितना यूनिक होने वाला है। इसके जो स्टोन्स के कलर है ना, वो काफ़ी हटके होने वाले हैं, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, और पीस एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बैक साइड आपको फिनिशिंग होने वाली है, और इसके साथ आपको चेन लगा होगा या चेन लगा हुआ, ये चेन लगा हुआ है, तो एडजस्ट ये पूरा मतलब गले में फिट होने वाला है ना, ऐसे पूरा गले में सेट हो जाएगा, जैसे इन वाले पीसों में हमने चेन दी हुई है, ये लॉन्ग है बट ये चौकर टाइप का है, पूरा आपको चिपकने वाला है गले में। और एक ये अगला इसी में देखिए जी, मल्टी में, ये मल्टी कलर पीस का लुक आप देखिए, कुछ हटके है। तो ये सब किस टाइप का, मतलब किस कॉन्सेप्ट
पे बनाया गया है, राजस्थानी ज्वेलरी ट्रेडिशनल किस टाइप का? हम इसको बोल सकते हैं ब्रांड रिप्लिका, या फिर आप इसको बोल सकते हैं भाई मैं ब्रांड का नाम तो क्या लूंगा भाई, सव्यसाची जैसे कहते हैं उस टाइप के आर्टिकल्स हैं भाई, सव्यसाची ज्वेलरी बोल सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे जैसे भैया ने बोला तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये। बिल्कुल, आप सिंपली ये देखिए, मैं ऐसे होल्ड करता हूँ, आप इसको गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो चीज हम आपको 5000 में दे रहे हैं उसकी जब ओरिजिनल पीस बनती है तो कितना ज्यादा होता है, स्टार्टिंग रेंज। बिल्कुल, बाकी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ओरिजिनल अपनी जगह पे है, ये वाली पीस अपनी जगह पे है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई लोहा गोल्ड के बराबर है, लेकिन ये दोनों में कम भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है। इससे फिनिशिंग में नापेंगे इसको तोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज है। बिल्कुल, काफी अच्छा लग रहा है पीस। इसी में लॉन्ग में ये मल्टी में देखिए, आप इसको जूम करके फोटो लेके एकदम आराम से देखिए, पीस की जो डिटेल है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके जस्ट ऊपर मैं आपको एक और पीस दिखाता हूँ, लायन बना हुआ है, पहले में गोट था, इसमें लायन है। काफी बढ़िया, बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव डिजाइन्स, मतलब ऐसे डिजाइन जो आपने ज्वेलरी करियर में कभी ना देखा होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर वन लाइन है और ये पूरा यहाँ पे देखिए कितना फ्लेक्सिबल पीस बनाया गया वो देखिए आप, और काफी अच्छे मेटल्स को जैसे कि मैं देख फील कर पा रहा हूँ, स्मूथनेस बहुत अच्छी है, शाइन देखिए आप, और एक बार पीस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही नया है, कुछ हमें भी दिखाने में मजा आ रहा है, मुझे भी कि भाई कुछ नया देख रहा हूँ मैं भी। इसका मैं इयररिंग दिखाता हूँ आपको, इयररिंग्स में पूरा फुल साइज का है, बिल्कुल 2.5 से 3 इंच का है। तो ये क्या है, लायन है टाइगर है? ये आप लाइन बोलो टाइगर बोलो। ओके, ये लायन है, ओके दोनों मतलब मैचिंग का ये लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही सही सा है, आगे देख लेते हैं एक ये वाला। देखिए बाजार में इसका रेप्लिका माल भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का माल ही मिलेगा। बिल्कुल, अगर जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको सस्ता माल चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा, हम आपको रिक्वायरमेंट दिलवा सकते हैं उसकी, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। जी, जैसे होता है ना कि जैसे कोई डिजाइन डायमंड में बना, सोने में बना, तो फिर उसका सेम टू सेम बनाया जाता है एक नॉर्मल ब्रास वगैरह पे, मेटल पे, फिर उसका भी कुछ डुप्लीकेट बनाया जाता है, नकली बनाया जाता है, तो वो वाले से चीजों से बच के रहिए। तो आप अगर लेना ही है तो प्रीमियम चीजें लीजिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अच्छा लग रहा है। बाकी हो सके तो आप विजिट कीजिए, जब आप विजिट करेंगे ना शॉप पे तो आप समझ पाएंगे कि ये चीज क्या है। आपने बहुत देखा होगा ईडी कुंदन पोलकी वगैरह में, लेकिन ये जो चीज है ना ये खुद में कुछ यूनिक है, नया है, देखने में भी मजा आता है। और ये पीस आप देख सकते हैं जितना मर्जी बड़ा हो जाएगा, एकदम हैवी से हैवी बॉडी पे एकदम सेट होने वाला पीस। ठीक है, देखिए, और एकदम फ्लेक्सिबल, अगर मैं इस टाइप से पकड़ूंगा तो आप देखेंगे पूरा ऐसे, अगर आप ऐसे हार के जैसे पहनेंगे ना तो भी सेट होने वाला, और मतलब आपके हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। एक ये देखिए, इसी में ये प्रीशियस स्टोन की जगह हमने ग्लास स्टोन का यूज भी किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लास स्टोन लगा हुआ है, प्रीशियस स्टोन लगा हुआ है, ये सिंबल स्टोन लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, कुंदन लगा हुआ है, मल्टी के अंदर हमने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कलर यूज कर रखे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आपको फोकस करके इयररिंग भी इसमें 3 इंच का है लगभग। जी, एक बार ये पीस को आप एक बार शेप कर देते हैं, और ये देखिए आपको फोकस करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर बाय चांस आपको कंफर्म प्राइस जानना है ना तो क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं कस्टमर आपको? हाँ जी, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ, हाँ, और आपको इजीली जो है पीस का डिटेल पता चल जाएगा। बाकी मैं क्वालिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेहतर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इसके जस्ट ऊपर आप पीस देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ये थोड़ा हटके पीस होने वाला, एक बार आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, लटकन बीड्स लटकन है इसके अंदर, लटकन है माल के अंदर, बहुत सारी चीजें यूज की गई है इसमें, प्रीसेस स्टोन, कुंदन, एडी। इसका बेस क्या चीज है सर, किस पे बना हुआ है ये? ब्रास, ब्रास के ऊपर। भाई गजब लुक है सर, बहुत ही प्रीमियम हट के। तो ये कुछ मैंने आपको नेकलेस दिखाया जिसमें 10 20 25 डिजाइन हमने देखा होगा, इसमें और मिल सकता है। इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं एयररिंग्स के तरफ, और मैं आपको पहले हैवी दिखाता हूँ, नॉर्मल तो आप देख ही लोगे लेकिन आप पहले हैवी देखो। ये देखिए कुछ इस हिसाब से, ठीक है, कितना ज़्यादा हैवी है भाई, तो कुछ नया है मार्केट में, कुछ नया ट्रेंड करने वाला है, शायद ट्रेंड कर रहा हो ऑलरेडी ये चीजें, है ना, हो सकता है ट्रेंड कर रहा हो। बिल्कुल, बाकी आप अगर लेते हैं तो शायद आपके इलाके में भी ये पीस कुछ ज्यादा ही बिके।
और देख सकते हैं पूरा बढ़िया फिनिशिंग के साथ। देखिए डिज़ाइन कहीं ना कहीं सेम ही मिलता है मार्केट में, लेकिन जो फर्क आ जाता है वो आता है क्वालिटी पे, पॉलिश पे, स्टोन पे, और कहीं ना कहीं भरोसा भी कि आप जब ऑनलाइन मंगाओ तो आपको माल सेफली पहुंच जाए। ठीक है, बाकी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर दोनों के लिए 20,000 है या कुछ फर्क है इसमें? इंडिया के बाहर 40,000 की कैपिंग है कम से कम। ओके, और ये क्योंकि कोई दो पीस मंगाएगा उसी में उसका 20,000 का बिल बन जाएगा, तीन पीस में। ये देखिए थोड़ा हैवी भी है, वजन में भी थोड़ा हैवी है क्योंकि इसका जो स्टोन आई थिंक है वो बहुत मोटा है, बहुत हैवी है ये, है ना? तो ये स्टोन निकलेगा तो नहीं आई थिंक, नहीं, क्योंकि इसको डायमंड के जैसे सेट किया गया ना, ऊपर सेट किया गया, मेटल से सेट किया गया, अंदर से तो निकलेगा नहीं। काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ईयरिंग्स का कुछ अंदाजा दीजिए मुझे क्या है? स्टार्टिंग रेंज इसमें 700 से स्टार्ट होती है। ओके, ये वाले 2,000, 2,500, 3,000 की रेंज है। तो मैं बस आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट में एक ही बात कहते हैं कि यार प्राइस नहीं तो वीडियो बेकार, तो हम लोग हमेशा आपको कहते हैं एज अ, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो अगर हमने प्राइस ओपन कर दिया ना तो हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका कस्टमर देख रहा हो ये वीडियो और फिर आपको कहेगा कि यार मैंने वीडियो में तो यही डिज़ाइन 500 का देखा, आप 2,000 का कैसे दे रहे हो, ठीक है ना, या 600 का कैसे दे रहे हो, आप मुझे 550 या 500 लगाओ, तो फिर आप मार्जिन नहीं रख पाएंगे मेरे ओपिनियन में। बाकी आप लोग आपका थॉट्स क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये चीज़ देखिए कितना पूरा, मतलब प्रीशियस, ये सारे यही है ना प्रीशियस स्टोन? हाँ जी प्रीशियस स्टोन। ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा एडी, ये एडी होता है या स्टोन होता है? स्टोन, स्टोन होता है ना, एडी है, साइड में कार्विंग हुआ हुआ सारा जी, सारा। ये जो आपको साइड में आप स्टोन देख रहे हैं, आप इसको फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा बारीक है, नैनो सेटिंग के साथ ये काम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको एक ये वाला दिखाता हूँ ग्रीन कलर में, भाई जो जो स्टोन्स ज्वेलर्स अपने उसमें लगाते हैं सोने में लगाते हैं वही स्टोन्स है सारे, वही ये वाला है, वही स्टोन्स है, वही तरीका है बनाने का। अब ये देखिए ब्रैकेट एडी को यूज करके इसमें बनाया गया, इसके साइड साइड। ओके, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना इसकी भी आप जब देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, लुक तो सेम है बट आप देखेंगे कि इसमें स्टोन अलग है, इसमें प्रीशियस स्टोन लगा हुआ है, इसमें ग्लास स्टोन लगा हुआ है, मतलब ये अगर मैं आपको एक एक दोनों पीस ऐसे साइड में रख एक जगह पे रखूं तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा कि भाई क्या है। अभी देखिए शाइन, देखिए दोनों पीस का जमीन आसमान का फर्क है, वो ग्लास स्टोन है ये, और ये वाला प्रीशियस स्टोन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी में फर्क है और प्राइस में, प्राइस में तो बहुत फर्क होगा, आधे का फर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्राइस में, क्योंकि आप देखेंगे इसका जो है ना ये एक प्रीशियस स्टोन है, ये ग्लास स्टोन है, ठीक है, तो प्राइस में दोनों में फर्क होने वाला है, तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दिया। भाई हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, आपको बढ़िया चाहिए बढ़िया मिल जाएगा, सस्ता चाहिए सस्ता मिल, बिल्कुल सस्ते का मतलब ये भी नहीं कि बेकार क्वालिटी, क्वालिटी वैसे ही होने वाली। ठीक है, पॉलिश दोनों का सेम है, मेटल भी दोनों का सेम ही है, ब्रास बस उस पे जो लगा है, इस पे ग्लास लगा है, इस पे प्रीशियस स्टोन प्लस एडी, उसमें अच्छी क्वालिटी का लगा है, इसमें एडी लो क्वालिटी का लगा है। देखिए क्योंकि वही बात है ना, जैसा प्राइस वैसा क्वालिटी, ये इसमें आप ये टॉप्स देखिए, टॉप्स की बहुत डिमांड रहती है, और टॉप्स वो भी ऐसा वैसा नहीं, सपोर्ट सपोर्ट के साथ है ना, एकदम आपके कानों में सेट होने वाला है। इसमें अवेलेबल है, सिल्वर है, रोडियम है, ये तो डायमंड का शाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी कुछ मैं आपको यहाँ पे ये वाले दिखा देता हूँ, ये कितना बेहतरीन लग रहा है सर, इतना चमक रहा है कि फेस दिख जाए इसमें, बहुत ही प्यारा, एकदम ग्रीन रूबी टाइप का है ना, बट है ये कुछ और ही है ना, क्या है ये वाला कुछ है? वही सेमी प्रीशियस स्टोन कह सकते हैं, और ये एक टाइप का स्टड आप देख सकते हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़े से एक यूनिक चीज दिखा देता हूँ जिसका नाम है ब्रेसलेट्स, और ये कुछ हटके है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल पीस है, किसी के भी हाथ में सेट हो जाएगा, बिल्कुल फुल फ्लेक्सिबल है पीछे से, और इसका लॉक भी बड़ा यूनिक सा है, ये देखिए ये बस आपको प्रेस करना है हल्का सा, एक बार लगा के दिखाइएगा, हल्का प्रेस करेंगे और ये लग जाएगा, देखिए इजीली लग गया, और फ्लेक्सिबल भी है पीस, वेट भी नहीं है, वेट भी नहीं है, काफी लाइट वेट है, पार्टी वेयर, ऑफिस वेयर, मतलब काफी कॉलेज वगैरह अच्छा सा यूज हो सकता है। और ये देख सकते हो कार्विंग स्टोन प्लस कुंदन के साथ, और पूरा चेन जो है पूरा फ्लेक्सिबल होने वाला है, ठीक है, एक सेम इसमें ही। और ये देखिए रिंग्स भी आपको मिल जाएगा इसी कॉन्सेप्ट में, ताकि आप मैच मैच करके पूरा पहन सके। और ये रहने वाला है कुछ ईयरिंग्स जो कि आपको अलग से भी मिल जाएगा, ये अलग से भी मिल जाएगा, है ना। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो ना कलर्स, जितने कलर्स इसमें, ये सभी चीज़ों में मिल जाएगा, जैसे मैंने रिंग्स दिखाया, ईयरिंग्स दिखाया, तो आप बात करने पे है, बात कीजिए और ये आपको डिटेलिंग पता चल जाएगा। अब जैसे कि एक ये वाला ईयरिंग देखिए, पूरा हटके ये जो आपका यहाँ पे लाइन बना है,
इस पे ब्लैक मल्टी कलर में दो कलर को यूज करके बनाया गया इसको, देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइनर लग रहा है। और ये इसके कुछ डिजाइन है, ये इसमें ये देखिए मल्टी पिगमेंट के कॉम्बिनेशन, पिगमेंट के कॉम्बिनेशन जो कि ज्यादातर एडी कुंदन में चलता है, ग्रीन के अंदर बिल्कुल। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी काफी ये एवोल्यूशन प्रोसेस में है एक अभी जगह पे, इसमें अभी आगे और ज्यादा नए नए डिजाइन आएंगे तो हम जरूर अपने चैनल पे इसकी वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सबसे सिंपल है कि सर को आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो इसका पूरा और ज्यादा अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। और ये देखिए भाई ये कुछ अलग ही है, तो पूरा का पूरा क्रोकोडाइल भाई बना दिया इस पे, और कारीगर ने क्या ही मेहनत किया, एक एक स्टोन जो भी स्टोन हो सकता है वो सब इस पे लगा दिया गया, एक जैसा स्टेटमेंट पीस जो एकदम एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके पास हो, पूरे मोहल्ले में नहीं पूरे सिटी में। ये वाला पीस देखिए आप, ये हटके है, हैवी पेंडेंट के साथ प्यारा सा चेन, चेन बड़ी यूनिक है बिल्कुल, प्लेन नहीं है। एक मैंने आपको इससे पहले दिखाया था ना जैसे ये वाला डिजाइन, इसमें नॉर्मल चेन है गोल्ड लुक में, बट ये वाला आप देखेंगे कि तो थोड़ा एक्सक्लूसिव, थोड़ा नहीं काफी हटके होने वाला है। देखिए डबल चेन और यहाँ पे थोड़ा बीच में काम होने वाला है, और फिर ये देखिए इसी में ये अलग चेन का बंडल, और एक ये देखिए थ्री लाइन चेन, डबल स्टोन यूज किया हुआ है, ओके डबलेट स्टोन आपको यूज होने वाला है, काफी चेन अच्छा देखिए इसके अंदर, चेन भी मूवेबल है, अगर कल को आपको ये चीज निकाल के पहनना है पेंडेंट, सिर्फ चेन चेन पहनना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका इयररिंग्स भी है सेम इसको ही फॉलो करते हुए डबलेट स्टोन के साथ। इसमें मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये वाला सारे ही स्टेटमेंट पीस है जी बिल्कुल। तो आज का जो वीडियो रहा ये एक ऐसा जिसमें आपने प्रीमियम क्वालिटी एकदम हटके मार्केट से, हमारे रेगुलर वीडियोस से हटके चीज़ मैंने आपको दिखाई, इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को अगर आपको मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर की जो आने वाली वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी सर के पास जो भी नया आएगा वो हम ज़रूर देखेंगे, जल्दी हो सकता है हम यहाँ की हम और वीडियोज़ बनाएं जैसे कि एडी वगैरह का, कुंदन का, अभी लास्ट में हमने इनका कॉपर का भी वीडियो बनाया था जिसमें टेम्पल ज्वेलरी दिखाया था हमने, तो ज़रूर देखिए। लोगों से बस यही विनती है कि 17 साल पुरानी दुकान है हमारी जी, और हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर को हमेशा बेस्ट क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का ही माल प्रोवाइड करें, क्योंकि आपने अपना माल आगे रिटेलर को ही बेचना है। बिल्कुल सर, अगर आज आप अपनी हल्की क्वालिटी का माल कस्टमर को देंगे तो कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं वापसी आएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में और अच्छे से अच्छे प्राइस में आपको माल अवेलेबल कराएं, प्लस आपको ये भी सपोर्ट रहे कि भाई आपको अपने व्यापार में कितनी वृद्धि मिल रही है हमारे से जुड़ने के बाद। बिल्कुल, कुछ नया देखने को मिल रहा है कि नहीं, नया देखने को मिल रहा है, और आपको हमसे काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई आप हम भी बढ़ें और आप भी हमारे साथ बढ़ें। चलिए शुक्रिया सर टाइम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।